हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सतावरी के प्लांट्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करते हुए, कैसे आप सतावरी प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और किस तरह से इसके जो ट्यूबर्स होते हैं वो आप अलग करके नए प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आज चलिए इसी बारे में बात करते हैं। सतावरी का प्लांट औषधीय गुणों से भरपूर है, ये हम सभी जानते हैं। खास करके हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका काफ़ी महत्व है। गार्डनर्स इसकी खूबसूरत पत्तियों के कारण इसे लगाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसके ट्यूबर्स होते हैं और इसके ट्यूबर्स ऐसे इनके जड़ों के साथ लगे हुए रहते हैं। तो ये जो ट्यूबर्स आप देख रहे हैं, ये हर एक ट्यूबर से आप नया पौधा हासिल कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो जाता है। बस ट्यूबर को अच्छे से निकालना होता है जड़ों से। सतावरी के प्लांट जहाँ औषधीय महत्ता से भरपूर है, वहीं इसकी बहुत ही खूबसूरत हरे रंग की पत्तियाँ बड़ी निराली लगती है और इसे आप अपने गार्डन में शोभा के तौर पर भी लगा सकते हैं, जो एक बहुत खूबसूरत प्यारा लुक देता है। और ये क्लाइंबर है तो इसे आप चाहे जितना भी ऊंचा चढ़ा सके ये चढ़ जाएगा और आपके बगीचे में, आपके रूफ टॉप पर, आपके टेरेस पर बहुत खूबसूरत बेल का रूप लेते हुए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बना देगा, आपके बालकनी को, आपके गार्डन को और भी खूबसूरत बना देगा। तो ये देखिए, मैंने इसके ट्यूबर्स निकाले हैं जो कि इनके जड़ों के साथ लगे हुए होते हैं और अब आप इन ट्यूबर्स को लेकर अपने लिए नए प्लांट को हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो किसी को दे तो वो भी इनकी हर एक ट्यूबर से नए प्लांट को ले सकते हैं। सतावरी का प्लांट एक बार लगा देने के बाद ये एक ट्यूबर इस तरीके से गुच्छे में बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये तीन प्लांट्स हैं मेरे पास और ये तीन प्लांट्स के इस तरीके से ट्यूबर बने हुए हैं। मैंने एक ही गमले में लगा के रखा है तो ये तीनों प्लांट के जो ट्यूबर्स हैं, ये देखिए एक दूसरे से किस तरीके से बंधे हुए दिख रहे हैं। तो मैंने इसे गमले से बाहर निकाला है ताकि आपको दिखा सकूं कि ये इसके ट्यूबर्स, इसके जड़ें किस प्रकार से मिट्टी के अंदर एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। इन्हीं ट्यूबर्स को आपको सावधानी से अलग करना होता है ताकि आप इन ट्यूबर्स से नए प्लांट को ले सकें। जो हेल्दी ट्यूबर्स है वो आपको अच्छे प्लांट दे पाएंगे, जबकि जो बिल्कुल छोटे ट्यूबर है, कमज़ोर ट्यूबर है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं करते हैं, कर जाते हैं पर वैसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप हेल्दी प्लांट चाहते हैं, उसकी खूबसूरत हरी लंबी पत्तियां चाहते हैं, तो ज़रूर से एक हेल्दी ट्यूबर को चुनिएगा। इससे आपको मिलेंगे खूबसूरत लंबी लंबी हरी झिरझिरी सी ये कोमल पत्तियां जो बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन खूबसूरत पत्तियों के साथ इनकी डालियों में कहीं कहीं कांटे भी होते हैं, तो आप इसको सावधानी पूर्वक लगाए, जहाँ भी लगाए बच्चों की और पेट्स की पहुँच से बाहर रखिए या उसे इस तरीके से घेर कर रखिए जैसे मैंने घेर कर रखा है इनको दूसरे प्लांट से। क्योंकि कभी कभी मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आते हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं और फिर इसके अलावा मेरे घर में दो प्यारे प्यारे पेट्स भी है, तो उनके बचाव के लिए भी मैं इन्हें बिल्कुल पीछे की तरफ लगा के रखती हूँ और सामने से मैं दूसरे गमलों को लगा कर रख देती हूँ ताकि वो इसके पहुँच से बाहर रहे।
और जब आप इसकी गार्डनिंग करें, आप इसकी देखभाल करें, तो आप अपना खुद का भी थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत प्लांट को ऐड करने के लिए ट्यूबर को कैसे यूज़ किया जाता है, ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो आज अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को और प्रकृति के खूबसूरती को शेयर कर सके। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से शतावरी के प्लांट को आप ऐड करिए अपने गार्डन में, और अगर इससे जुड़ी जानकारी कुछ और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए प्लांट्स को, अपने गार्डन को, नेचर को, और साथ ही मेरे वीडियोस को भी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर मेरे साथ दोस्ती ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, एंड टिल देन बाय।